नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता का कुछ ज्ञान जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि मनुष्य चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं। सृष्टि में एकमात्र प्राणी जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, और ये मैं नहीं कहती, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इस सीरीज़ में गीता का कुछ ज्ञान सुनाने जा रही हूँ, जो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों, हम लोग गीता से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आप ये सुनेंगे तो निश्चित बात है कि आपको अपने शास्त्र को पढ़ने का इच्छा ज़रूर आएगा अंदर में। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र अतस्य नमानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जो स्वयं उनके श्रीमुख से हुआ है दोस्तों, वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का भगवान ने गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है दोस्तों। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है जो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है जो उनका नाम है। उन्होंने खुद गीता में कहा है कि मेरा नाम ओम है, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, अगर जपना चाहता है तो उसे जप। ये वो अर्जुन को बताते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं। एकमात्र कर्म है जो प्रभु की आराधना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया, तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुधर अर्जुन जो थे वो पहले ही महान थे, लेकिन हाँ, ये जो किरदार हैं और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर ये सारा युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, इसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर चल रही है, लगातार युद्ध चलती रहती है, अच्छे या बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है। जब आपको सदगुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, जब आप साधना सही करने लगते हैं, तो आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं, जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, अपने ही क्षेत्र को जो अपना शरीर है उसको धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम क्रोध लोभ के साथ, तो आप अपने ही शरीर कुरु क्षेत्र बना लेते हैं। और कुरु का मतलब है करो। कुरु जो है वो एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो। जो हमारा ये चंचल शरीर है, जो हर वक्त कुछ न कुछ कर रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है, तो जब हम प्रकृति के तरफ आकर्षित होते हैं, तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब हम परमात्मा के तरफ आकर्षित होते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है, ये धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। क्योंकि दोस्तों, हमारे ही शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियाँ बहुत समय से चली आ रही है, जो हमारा अंतःकरण है, और वो है देवी संपत और आसुरी संपत। और जो देवी संपत है वो है पुण्य रूपी पांडु, तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं, वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है, तो उसके बाद देवी संपत जो है वो जागृत होती है। क्योंकि पुण्य के बिना जो है वो कर्तव्यों को कभी समझा नहीं जा सकता। और कुंती ने पुण्य को प्राप्त होने से पहले, पांडवों के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण।
और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियाँ है जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, और जिस दिन पुण्य जागृत हो जाती है उस दिन देवी संपत्ति जो है वो जागृत हो जाती है, तब आप भगवान को पाले। जब आपके मन में अनुराग आ जाता है दोस्तों कि हमें भगवान को पाने, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, यानी कि योग्य हो जाते हैं। धन्यवाद।